ये देखिए माशाल्लाह ये दरवाजा है, ठीक ये चल रहा हूँ ऊपर क्योंकि ये वाला एरिया खुला हुआ है अपना, ठीक है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर मतलब करनी करतूत या टुटका कह सकता हूँ उसको, ऐसा कुछ हो। देखो मस्जिद के अंदर आपको देखो क्या दिख रहा है, ये सब दारू वारू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुदस्सर नजर और इस वक्त मैं खड़ा हूँ मोट मस्जिद पर जो कि है साउथ एक्स में। आप डालेंगे गूगल पे मोट मस्जिद, आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जगह है और बड़ी शांत जगह है ये, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है जो मेरे इल्म में है, वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, और इसके सारे नज़ारे आपको चेक कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं शुरू से। तो भाई ये है मोट मस्जिद अपनी, और यहाँ पर ये पार्किंग की जगह मिल जाएगी आपको अगर आप लोग आते हैं। तो भाई बाहर की साइड है और ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर डिजाइनिंग देखने के लिए मिलेगी पूरी, ठीक है। ये पूरा अपना बाहर का पूरा एरिया है, ठीक है। अब चल रहे हैं अंदर की तरफ। भाई ये साइड में आते थे देखिए उर्दू की आयतें अपनी दिखाई देती माशाल्लाह, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई सुभान अल्लाह। और वो रहे को आपको गुम्बद दिखाई देगा, ठीक है, और जिसके ऊपर नीली टाइलों की आपको निशानी दिखाई दे रही है, देख रहे हैं उधर की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह ये दरवाज़ा है, ठीक है। और इसके मैं पूरा दिखाता हूँ आपको डिजाइन, दरवाजे का पूरा हिसाब किताब। ये देखिए ऊपर इस तरीके से आपको आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा, मेहराब है इस तरीके से, ये दर मिलेगा हमें पूरा इस तरीके से। और दरवाज़ा देखिए, और ये पूरा जीना मिल जाता है भाई इस तरीके से हमें। यहाँ पर भी इस तरीके से देखिए ताकों का अपना देख रहे हैं आप इस तरीके से ये पूरा, और इधर भी अपना ये देखिए मिल जाता है। और ये दरवाज़ा है भाई माशाल्लाह, और पूरा आर्क जो दिख रहा है इसका दरवाजे का आर्किटेक्चर पूरा, मतलब आर्क देखिए इस तरीके से मिलेगा, पूरी डिज़ाइनिंग देखिए इस तरीके से। ये ताक हैं उजाले के लिए, उस टाइम पे यहाँ पर वो जलाए करते थे, मतलब दिए वगैरह जैसे। ये जीने की आप जो ऊँचाई देख रहे हैं ना, काफ़ी ऊँचे ऊँचे जीने हैं ये, ठीक है। अंदर तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ, और अंदर चलते ही देखिए इस तरीके से आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला एरिया भी अपने को मिल जाएगा, और जो दरवाजे का जो आर्क है पूरा आर्किटेक्चर इस तरीके से देखिए, पूरा एक मेहराब मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये भी अंदर से पूरा आर्किटेक्चर देख रहे हैं, पूरा आर्किटेक्चर भी का जो आर्क है ना इस तरीके से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है आपको ना, मैं इस तरफ से भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मतलब एक आर्क बना हुआ है पूरा तरीके से, ये देखिए भाई देख रहे हैं ये पूरा दरवाजे का अपना ऊपर देखिए इस तरीके से डिजाइनिंग बनी हुई है, ये पूरा दरवाजा है भाई माशाल्लाह, ठीक है। वाह, यहाँ से कुछ डैमेजेस हो चुके हैं जो वक्त के हिसाब से हो चुके हैं, और जीना भी है ऊपर जाने का। तो यहाँ से अपने लोग ना एक बार ऊपर चढ़ के देखते हैं ये क्या दिखता है हमें, ठीक है। इस लव है, लव लव है, लव अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कुछ ये देख सीन देखने के लिए मिलता है हम जब हम जीने से ऊपर से आते हैं, मतलब जीने पर चढ़ के आते हैं इस तरीके से। ये पूरा मामला और ये पूरी अपनी सोसाइटी जो कि बस चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक जीना दिखाई दे रहा है, और इस जीने से अपन लोग चलते हैं। ओह अच्छा, ये जीना जो है ना बाहर की तरफ जा रहा है, नहीं नहीं बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, ये साइड से निकल रहा है ये भी। हाँ चलते हैं, आ जाओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम लोग साइड की इस साइड से निकल गए, ठीक है। ये भाई ठीक है, ये देखिए भाई यहाँ से हम लोग आए थे अभी, ये जीने हैं जो दरवाजे का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है, ये कैसे कैसे पूरा इसकी डिजाइनिंग है, क्या जो आर्किटेक्चर पूरा जो कैसे बना हुआ है डिजाइनिंग, दरवाज़ा भी देख लिया आपने। चलते हैं अब मस्जिद की तरफ, पूरा बाहर का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर की तरफ आपको एक गुंबद दिखाई दे रहा है जो कि वक्त के हिसाब से काफ़ी डैमेज हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए ये मिल जाएंगे आपको कुछ डिजाइनिंग इस तरीके से, ठीक है। ये ताक हैं, और ये पूरे दरवाजे के ऊपर मेहराब है, एक दो तीन चार अपने पांच दरवाजे मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको देखें एक दो और वो दो उधर के बीच का एक सेंटर का, तो सेंटर वाले दरवाजे पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर जगह खाली होने की वजह से क्रिकेट थोड़ा सा खेला जा रहा है। तो ये देखिए ये सेंटर है दरवाज़ा,
कितना अच्छा मेहराब बना हुआ है पूरा इस तरीके से, लाल पत्थर से इस तरीके से बना हुआ पूरा डिजाइनिंग देखिए आप, ये पूरा अपना बना हुआ है। और यहाँ आपको ना ये हौज मिल जाता है यहाँ पर फिलहाल के लिए, यहाँ पर चिड़िया और उनका दाना रखा जाता है, ये पहले टाइम पे हौज हुआ करता था, ठीक है, ये मिल जाता है भाई। और देख रहे हैं इस तरीके से तागे मिल जाते हैं अपने जो है पांचों दरवाजे के, मतलब इसके बराबर में चारों तरफ ये पूरा, ये देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ पूरा, ये देखिए पूरा ऊपर के। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि गेट खुला मिल गया तो ऊपर भी ले चलते हैं, और अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ। तो भाई अंदर जाने से पहले ना शूज़ ज़रूर उतारूँगा, तो भाई शूज़ मैंने उतार दिए हैं, ठीक है, हालांकि गंदगी पड़ी है थोड़ी सी, लेकिन मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम ज़रूरी है भाई। अस्सलाम वालेकुम, ये पूरा मस्जिद का ये देख रहे हैं इस तरीके से मिल जाती है माशाल्लाह। ये पूरा गुंबद है भाई, जो पहला गुंबद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से हवा आने की जगह खुली हुई है पूरी, और ये पिलर है, ठीक है, ये मिल जाते हैं। ये वाला एरिया जो है वो पहाड़ जा रहा है ब्लैंक की तरफ इस तरीके से, यहीं हमने अपनी कार पार्क करी है, ठीक है, ये पूरा एरिया मिल जाता है, ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ भाई आगे की तरफ आपको, ये देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है इस तरीके से। यहाँ पर भी आपको एक ऊपर जाने का जीना मिल जाएगा, ठीक है, इस पर भी चलते हैं अभी इंशाल्लाह। तो ये है पूरी मस्जिद माशाल्लाह, ये देखिए ऊपर का पूरा आर्किटेक्चर जो कि वक्त के हिसाब से काफ़ी मतलब डैमेज हो चुका है। ये इमाम साहब की जगह जो अभी भी माशाल्लाह चमक रही है भाई, और यहाँ पर अपनों को आयतें भी देखने के लिए मिल जाएंगी लिखी हुई, ये देखिए वहाँ लगना देख रहे हैं, ये लाल लाल पता नहीं किसने क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब करनी करतूत या टुटका कह सकता हूँ उसको, ऐसा कुछ हो तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि रंग फेंका हुआ है। और ये देखिए वो बत्ती, मतलब अगरबत्ती भी चल रही है, रंग फेंका हुआ है लाल रंग का, कुछ मतलब टुटका टाइप का कुछ करनी करतूत टाइप का कुछ कर रखा है। अल्लाह हिफाजत करे अपनी आयतों की, अपने की। अब ये देखिए ऊपर की मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, पूरी आयतें लिखी हुई है इस तरीके से, ये चीज़ गलत लगी मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये है पूरा, तो भाई ये चीज़ है, ये जो देख रहे हैं मेंबर है, यहाँ पर खुतबा होता है, ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं पूरा डिजाइनिंग आपको मिल जाती है, ठीक है, गंदगी तो बहुत पड़ी हुई जैसे आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ भी लेके चलता हूँ, वो देखिए आर्किटेक्चर पूरा टूटा हुआ है वहाँ से, ठीक है, ये भी आपको मिल जाता है भाई। ये वाला एरिया भी अपने को बाहर मिल जाता, जैसे हमने उस कॉर्नर पे देखा था वैसे यहाँ पर भी ये मिल जाता है भाई पूरा डिजाइन इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा डिजाइन हमें मिल जाता है माशाल्लाह, बीच में देखिए अब इस तरीके से अपना है। चलते हैं अंदर की तरफ, कोई गार्ड नहीं, कोई नहीं है भाई, सत्या पीठ रखी है मेरी मस्जिद की, ठीक है, ये वाला दरवाजा बंद कर रखा है, ठीक है। अब चलते हैं उस तरफ, उस वाले दरवाजे को, मतलब जो दरवाजा नहीं सॉरी जीना जो ऊपर जा रहा है वहाँ देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है, ठीक, ये चल रहा हूँ ऊपर क्योंकि ये वाला एरिया खुला हुआ है अपना, ठीक है, लाओ है भाई, ऊंची ऊंची जो सीढ़ी की जो ऊंचाई है ना वो ज़्यादा है भाई, देख सकते हैं आप, लाओ है अल्लाह। यहाँ पर भी भाई एक तरीके का आपको गुंबद की तरफ जा रहा है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मिल रहा है पूरा, ठीक है, ये जीने पे ले चलते हैं। ये वाला जीना कहाँ जा रहा है, साइड से होते हुए, अच्छा ये वाला तो बाहर की तरफ जा रहा है और ये जा रहा है छत की तरफ, लाओ है लाओ है लाओ, ये देखिए भाई माशाल्लाह छत पे आ गए हम लोग, ठीक है, पूरा देख रहे हैं आप इस तरीके से ये गुंबद का पूरा एरिया मिल जाता है भाई, मीनार है ये, और ये छोटे छोटे मोगले दिख रहे हैं आपको, ये बारिश के पानी निकलने की जगह है, ठीक है, पूरा गुंबद है इस तरीके से। चलो अपने लोग उस साइड से निकलते हैं, ठीक है, एक ये जीना है जिससे हम लोग आए उस तरफ से और जा इस तरफ से रहे हम लोग, सुभान अल्लाह।
इसके बाहर एरिया मिल जाता है यहाँ पर नीचे उतरती है अपनों को। ठीक है, ये पूरा इलाका देखें इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से देखिए पूरा। चलिए नीचे चलते हैं। अरे चलो सुबह 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 देखो मस्जिद के अंदर आपको देखो क्या दिख रहा है, ये सब दारू वारू के सब कहने पट गए भाई यहाँ पर, देख रहे हो आप भाई। सरकार को होना चाहिए कि थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो मतलब एहतराम करे कि कम से कम मानोमोन्स के तौर पे इसको साफ सफाई करके और एंट्री करवे, लेकिन गार्ड हो तो कम से कम ये गंदगी ना हो कि दारू वारू पड़ी हुई इस तरीके से। फिलहाल माशाल्लाह दरख्त देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अब इंशाल्लाह बताता हूँ उसकी छोटी सी हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों एक छोटी सी हिस्ट्री जो मेरे इल्म में है वो आपको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी के जो वजीर थे, ठीक है, सुल्तान सिकंदर लोदी के जो वजीर थे उनका नाम था वजीर मियां भोया। उन्होंने ये अपने लिए बनवाई थी। और ये बनवाई कैसे थी, एक बार का किस्सा है कि जब सिकंदर लोदी कहीं से आए थे तो मोठ डाल के ना थोड़े से बीज लेके आ गए, और उन्होंने ये बीज अपने हाथ से इनको दिए अपने वजीर को मियां भोया को। तो उनसे मतलब देते हुए कहा कि इस बीजों का ना एक अच्छा इस्तेमाल करना। तो क्या था, उन्होंने एक छोटी सी यहीं पर किसी जगह पे उन्होंने ये बीज गाड़ दिए, बीज गाड़े, थोड़ा सा पौधा होगा उसमें से और बीज निकले, फिर वो बीज निकाल के उन्होंने और खेती की, मतलब उसको और जगह पर तो बीज निकले, बीज उन बीजों को फिर और जगह मतलब गाड़ा, और इसी तरीके से जैसे और पौधे हुए इस तरीके से उन्होंने बीज निकलते गए और इस तरीके से पूरा खेत बन गया। और उस खेत से उगी हुई जो दाल थी, मतलब इसको मोठ कहा जाता है, मोठ दाल उगी और उसको बेचा, और उसको बेचने के बाद उसकी तिजारत करने के बाद जो पैसे आए उस पैसे से ये मस्जिद बनाई। ठीक है, तो इसीलिए इस मस्जिद का नाम जो पड़ा मोठ मस्जिद पड़ा, क्योंकि भाई ये जो बनी हुई है मोठ दाल की तिजारत से आए हुए पैसे से ये मस्जिद बनी हुई है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, अपने वक्त तो बहुत खूबसूरत रही होगी, पर वक्त के हालात के हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं कि कॉलोनी बस चुकी है और लोग क्रिकेट वगैरह खेलने आते थे, चलो वो तो बाहर की तरफ खेल रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ जैसे आपने देखा कि वो दारू की बोतलें वगैरह और इतना गंद मचा हुआ है, लोगों ने अर्शील मतलब गंदपना लिख रखा है दीवारों पर ये बहुत, और उसमें आपने देखा इमाम साहब की जगह पे मतलब रंग वगैरह डाल के मगरबत्ती जला के, मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगी। और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और मुझे भी नेक अमल करने की तौफीक दे। और वीडियो को करता हूँ यहीं ख़त्म, और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।